नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा जी। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे और उन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने वहां पर मंदिर निर्माण में लग रही ईंट को अपने माथे के ऊपर, सर के ऊपर उठा करके उससे लोगों के सामने रखा। आपको बता दें कि इस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण का कार्य जल्द पूरा होगा। ये आपको बताते हैं कि और क्या कुछ उन्होंने जायजा लिया मंदिर निर्माण। सिर पर श्री राम 2023 की ईंट, अयोध्या राम मंदिर और केशव प्रसाद मौर्य की इन तस्वीरों को देखा है आपने, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति को देखा। इस दौरान प्रभु श्री राम के नाम की ईंट उठाकर वे बेहद भावुक नजर आए। हनुमान घड़ी पहले पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को अयोध्या के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले हनुमान घड़ी जाकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद प्रभु श्री राम के निर्माणाधीन मंदिर परिसर पहुंचकर मंदिर में हो रहे कार्य के बारे में ट्रस्ट के इंजीनियर और ट्रस्ट के सचिव चंपत राय से भी पहलुओं पर जानकारी ली। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिर पर उठाई श्री राम मंदिर की। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य को देखकर केशव प्रसाद मौर्य बेहद भावुक दिखाई दिए और उन्होंने प्रभु श्री राम के नाम की ईंट को अपने सिर पर रखकर जय श्री राम का उद्घोष किया और कहा कि आज स्वप्न साकार रूप ले रहा है। आपको बता दें कि ये मंदिर 6 पिलर 20 फीट ऊंचाई तक खड़े। चंपत राय के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह के 3 तरफ की दीवारें और 6 पिलर 20 फीट ऊंचाई तक खड़े हो गए हैं। भूतल के 160 पिलर भी खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंदिर का 70% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के मुताबिक मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का 70% से ज्यादा काम पूरा हो गया है।